हेलो दोस्तों, मैं गोपाल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं गुरु एक और नए वीडियो में। तो पहले तो सभी को दुआ सलाम प्रणाम। कैसे हैं सभी लोग? आशा और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आगे भी आपके मंगलदाय जीवन की कामना करता हूं। तो गुरु फाइनली आप अपनी गाड़ी आज जो है भर रही है, गुजरात के लिए हमने माल लोड किया है। हमारी गाड़ी भरी जा रही है आज सितारगंज से। तो दोस्तों कल हमारी गाड़ी आ जाएगी और कल हम अपने इस घर से गाड़ी के लिए रवाना हो जाएंगे। तो मैंने सोचा आज घर है तो क्यों ना हम अपने दोस्तों के साथ एक और छोटा सा वीडियो बना के शेयर करते हैं ताकि हम एक दूसरे से जुड़े रहें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वैसे तो अपनी जन्मभूमि और अपने प्यारे से घर को छोड़ के कहीं कोई नहीं जाना चाहता है, लेकिन कुछ मजबूरियाँ होती हैं जो आदमी को अपने घर परिवार के बंधन से दूर हटने के लिए मजबूर कर देती हैं। जैसे कि हमारे बहुत सारे ड्राइवर भाई हैं और हमारे बहुत सारे सिपाही हैं, देश में इंडियन आर्मी है, ये बहुत सारे लोग हैं जो अपने घर से ज़्यादा समय बाहर बिताते हैं। तो मैं अब अपने बारे में बताता हूँ। दोस्तों मैंने 2011 में अपना घर बिल्कुल छोड़ दिया था और मैं आगरा चला गया था जहाँ मैंने गाड़ियों पर रहना सीखा। मुझे गाड़ी सीखने की बहुत लालसा थी, हालांकि मुझे घर वालों ने बहुत पढ़ा लिखाने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों वही होता है जो किस्मत में लिखा होता है और जो ऊपर वाले को मंजूर होता है। तो घर वालों की बातों पे ना ध्यान देके मैं गाड़ी पे चला गया दोस्तों, लेकिन गाड़ी सीखने की मुझे कहीं से कहीं तक कोई गुंजाइश मतलब कुछ दिखाई नहीं दिया। ड्राइवर लोग गाड़ी नहीं देते थे और पहले के जो उस्ताद थे वो तो बहुत ही कम गाड़ी देते थे। अभी के तो हैं भाई एक महीने में दो महीने में भी गाड़ी सिखा देते, आदमी ले भाई ले जा कोई टेंशन नहीं है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। बहुत मेहनत करनी पड़ती थी और एक दूसरे का बहुत सेंस भी रखना पड़ता था। हमसे जो बड़े होते थे उस्ताद तो वो होटल पे चले जाते थे तो हमारी हिम्मत नहीं होती थी कि हम गाड़ी से होटल की तरफ को जाएं उनके पीछे पीछे, क्योंकि वहाँ दोस्तों ड्राइवरों का मजमा लगा होता था। किसी का भी कंडक्टर अगर उसके पास पहुँच गया तो वो वहाँ से ललकार भी मार देते थे पुराने उस्ताद जो लोग होते थे, और दूसरे के उस्ताद से भी कह देते यार क्या कंडक्टर है पीछे पीछे चला आया तुम्हारे होटल तक। तो ये सब चीज़ पहले बहुत थी, लेकिन अभी ये चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है दोस्तों, क्योंकि अब ड्राइवर नहीं पहुंच पाता, उससे पहले जो है कंडक्टर पहुंच जाते। तो इस बात का कोई सिकवा गिला नहीं है, ये सारी चीज़ें अब बिल्कुल ही दूर हो चुकी हैं। तो दोस्तों 2011 के बाद मैंने बहुत मेहनत की। तो दो ढाई साल में मैं गाड़ी थोड़ा चलाना तो सीख ही गया था। उसके कुछ समय बाद मैंने सेकेंडरी भी की। मैं आगरा से जब आता था अपने घर तो 6-7 महीने बाद आता था गुरु। मैंने बहुत ही ज़्यादा भरपूर कस मेहनत की थी और जिनके साथ मैंने गाड़ी सीखी थी वो भी मेरे इस वीडियो को देखते हैं, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि जब तक मैं उनके साथ रहा, ये मैं गारंटी के साथ बात कहता हूँ, चाहे जंगल हो चाहे कुछ भी सही, चाहे दिन हो या रात हो, मैंने उनको कभी भी टायर से हाथ ना लगाने दिया। ये मेरा फर्ज रहा मेरे उस्ताद के प्रति, लेकिन उन्होंने मुझे ऐसी गाड़ी सिखा के ट्रेंड किया गुरु कि मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी जाता हूँ कोई भी टेंशन नहीं है, सारी चीज़ उन्होंने मुझे समझाई, सारी चीज़ बताई कैसे कब माइंड का इस्तेमाल, कहाँ कैसे रहना है, कैसे बात करना है और गुस्सा कहाँ दिखाना है और प्यार भी कहाँ बांटना है, ये सब चीज़ें मुझे उन्होंने सिखाई हैं। वैसे दोस्तों उस्ताद एक पितातुल मैं उनको मानता हूँ और मतलब उनकी बाप को भी मैं अपनी मातातुल मानता हूँ, लेकिन उनसे मेरी मुलाकात 2 साल से ना ही हुई है, केवल हम फ़ोन पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और दोस्तों मेरे घर का ये मेरा लास्ट वीडियो ही होगा शायद इस समय में, क्योंकि कल मैं गाड़ी पे चला जाऊंगा, कल गाड़ी आ जाएगी। तो दोस्तों अब मैं बता दूं उन लोगों के लिए जो मेरे लिए कमेंट करते हैं कि एक कमेंट मैंने और पढ़ी थी, सबसे ज़्यादा आती है कि 12 टारा 14 टारा और 10 टारा में कौन सही माइलेज देती है। तो दोस्तों 10 टारा तो मैंने अभी चला ही नहीं है फिलहाल, मैं जल्दी में ही 12 टारा की मैं बात करता हूँ तो 3.80 तक एवरेज उसने मुझ पर दिया था। 14 टारा की बात करता हूँ तो 2.80 का एवरेज उसने महाराष्ट्र लाइन पे दिया था और 3.40 का एवरेज उसने बिहार लाइन पे दिया था 14 टारा गाड़ी ने। तो ये उनका माइलेज रहता है। और गाड़ी चलाने के लिए दोस्तों आप गाड़ी लो चलाओ। बहुत सारे भाई इस बात से भी बहुत कन्फ्यूजन रहते हैं कि भाई हमारे पास तो पैसा है हम तो गाड़ी ले लेंगे, लेकिन हम लेने के बाद माल कैसे भरेंगे? अरे भैया आप गाड़ी ले लो, माल भरने की कोई टेंशन नहीं है, माल तो आपको ट्रांसपोर्ट दिलाएंगे, कमीशन एजेंट दिलाएंगे, भाई आप उनसे बात करोगे आपकी गाड़ी के पेपर ले लेंगे आपको माल भरवा देंगे, फिर क्या दिक्कत है। और रही बात मेरे साथ जुड़ने की, आप लोग कहते हैं भाई तो आप कहाँ चल रहे हो? भैया हम तो वहीं चलेंगे। तो आप लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं, कभी तो मैं जाता हूँ महाराष्ट्र, फिर मैं चला जाता हूँ राजस्थान, फिर मैं चला जाता हूँ MP। तो मेरा तो हमारे जो मालिक है हमें चौतरफा घुमाते हैं दोस्तों। अभी हमने मटर का सिर्फ एक ही चक्कर लगाया है, उसमें अच्छे खासे तो नहीं कह सकते लेकिन सही पैसे गाड़ी ने छोड़ दिए हैं। लेकिन अब हम जा रहे हैं गुजरात, अब हम मतलब हम 2 या 3 साल बाद गुजरात जा रहा हूँ मैं। अब मुझे यहाँ का कुछ पता नहीं, वहाँ का क्या है क्या नहीं है, कहाँ से क्या आ रहा है। अब जब मैं वहाँ पहुँचूँगा
तो मैं सारी चीजें आपको भी दिखाऊंगा और उसमें आपको बताऊंगा भी। लेकिन ओवर ओवर एक्टिंग करना गुरु मुझे आता नहीं है, क्योंकि दोस्तों ओवर एक्टिंग करने से कोई फायदा नहीं है। ओवर एक्टिंग आज नहीं तो कल पकड़ी जाती है। कभी भी दोस्तों कभी भी आप झूठ बोल लो, झूठ आपका छुप नहीं सकता। झूठ बोलने के लिए आपको एक झूठ के लिए 10 बार झूठ बोलना पड़ेगा, लेकिन वो भी फिर खुल जाता है तो कोई फायदा नहीं है। उतना बताओ उतना सिखाओ जितना कि आप जानते हो भाई। और दोस्तों भैया इन लोग एक आध ये भी कह रहे थे कि भाई छेटारा के ऊपर एक आध वीडियो बनाओ। तो दोस्तों छेटारा के बारे में मुझे कोई भी जानकारी नहीं है, छेटारा पे तो मैंने कनेक्ट्री भी नहीं करी है गुरु। अब छेटारा के बारे में मुझे नॉलेज है ही नहीं, तो मैं आप लोगों को बता कैसे दूं। मैं वही बात आप लोगों को बता सकता हूं जिससे मैं गुजरा हुआ हूं, जिसके बारे में मुझे जानकारी है, उससे ज़्यादा दोस्तों कुछ भी नहीं। और दोस्तों छोटा सा वीडियो है, लेकिन एक बात आप ज़रूर ध्यान रखना कि मेहनत करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। यदि आप भी अगर गाड़ी बना के खुद चला रहे हो, ड्राइवरों से चलवा रहे हो, अगर आप अपनी मेहनत का 100 में से 100% दोगे, कभी भी आपकी गाड़ी फेल नहीं हो सकती। आपने ड्राइवर को भेज दिया, और ड्राइवर भाई भी, हम ड्राइवर भाइयों की बिल्कुल बुराई नहीं करना चाहते कि ड्राइवर भाई एक देश के सिपाही होते हैं, क्योंकि मैं भी एक ड्राइवर ही हूँ। लेकिन गुरु कुछ मछली गंदी होती हैं जो सारी मछलियों को बदनाम करवा देती हैं। ड्राइवर सही नहीं मिलता है तो गाड़ी को फुटपाथ पे ला देता है और मोटर मालिक को वो बेचनी ही पड़ जाती है। ये भी मैंने अपनी ही मार्केट में ये देखा है। आगरा में भी मैंने ऐसा कई बार देखा है, जबकि आगरा बहुत बड़ी मार्केट है। तो दोस्तों आज का यही मेरा छोटा सा वीडियो था, और कल से अपनी ब्लॉगिंग चालू हो जाएगी, गाड़ी पे पहुंच जाएंगे। तो अभी तो थे घर पे, ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। दोस्तों अपना अपना ख्याल रखें, और आप सभी के लिए मैं दुआ सलाम और प्रणाम करता हूँ। दोस्तों इसी तरह सपोर्ट बनाए रखें अपने भाई पे, ताकि आपका भाई का मनोबल बढ़े और आपके लिए एक से एक बेहतर बढ़ के वीडियो लाते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद, वंदे मातरम।